भाई मेरे को बहुत कंफ्यूजन से यहाँ पर हो रही है, और मैंने नोटिस किया गाइस कि मेरे चेस्टों में से चीजें भी हौली हौली गायब हो रही हैं। आज तो हमें उस पागल लॉगी को पकड़ना ही होगा। ओए मैंने अपना नाम सुना, कहाँ पर है तू? ये आपके घर के अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि ये वाला असली है कि नकली है। लेकिन गाइस मैंने एक बात नोटिस किया कि नकली वाला लॉगी बिल्कुल बोलता नहीं है और ये वाला तो चुप ही नहीं होता। हेलो कैसे हो? ए तेरे को वो नकली लॉगी मिला फिर से? भाई मुझे तो उसके बारे में फिलहाल तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन लास्ट टाइम वो जंगल की ओर भागा था। ये मेरे को पता है कि लास्ट टाइम गाइस वो जंगल की ओर भागा था, और मैं क्या पता लॉगी मेरे चेस्टों के अंदर से पूरे डायमंड सारे सोना वगैरह सारा लेके जा चुका है। सारे डायमंड आपके गए? दिमाग मत खराब कर। तो गाइस मैंने अभी नोटिस किया कि बहुत टाइम से मेरे को वो नकली वाला लॉगी जो है बिल्कुल शहर के अंदर नजर नहीं आ रहा, और ये किसके किसके बच्चे यहाँ पर बाहर घूम रहे हो? वो वो ए वो वो क्या है तेरे को? इधर आ, कौन जा रहे? कौन था ये? वेट क्या वेट, अभी मैंने बोला कि नकली लॉगी शहर के अंदर नजर नहीं आ रहा, और यही आई थिंक गाइस वो यही बंदा था, वो इसी तरफ गया है। काम करते, इस बारी मैं लॉगी को छोड़ूंगा नहीं। मैं एक बारी अगर मेरे हाथ में फिर से लग गया ना तो मैं इसकी मैंने चटनी बना देनी है। वो रहा वो जा, ओपी ओपी उसने एंटरपोल फेंका यहाँ पर। यो इसका मतलब है कि वो इस तरफ गया है। कोई बात नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल जंगल के अंदर जाकर उसकी पूरी बैंड बजा के आता हूँ मैं। मेरे को गाइस आराम आराम से जंगल के अंदर जाना है। इसी तरफ गया वो यही से। क्या है तू? क्या जंगल के अंदर जा रहे हो भाई? कहाँ पर है तू? मेरा दुबई टावर ऊपर। ए लॉकी तूने अभी मेरे को मार के, लेकिन वो तो इस तरफ गया है, तू ऊपर खड़ा। ए ये कैसे हो सकता है भाई, तूने मेरे को अभी मारा लेकिन नकली लॉगी था। गाइस हे लॉगी, ए एंटरपल मैंने भी देखा है, अभी इसी तरफ गया था, इसी वो तरफ जंगल की ओर ना। हे लॉगी इधर साथ में चलते हैं यार, साथ में चलते हैं। मेरे को एक्चुअली बहुत डर लग रहा है नकली लॉगी से। हम नहीं जाते, नहीं जाते कल सुबह। गाइस अभी तो रात होने वाली, कल सुबह जाएंगे। और अभी गाइस आज मैं खराटे लेके सोऊंगा। हे भाई मेरे थोड़ा उतरो के सोना, क्या कर रहा है तू? उतरो क्या, पूरा बेड पकड़ के रखा तू ने? हे तू उधर, वो यो अभी वहां पर टीएनटी फटा, इतनी रात को क्रीपर। वो ए लॉगी कहां जा रहा है तू? मैं पास में उसके पास ही जाऊंगा। सारे बंदे उठ गए थे, मतलब कि उसने इतनी जोर से टीएनटी फोड़ कर रखा कि सारे बंदे यहां पर उठ चुके, और इसने क्या धमाका करके रखा हुआ है। गोलम तू उसको पकड़ता क्यों नहीं है? वैसे गोलम की भी काइस कोई गलती नहीं, क्योंकि गोलम डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो बंदा असली था कि नकली था। तो उसने यहां पर टीएनटी फोड़ा और इस तरफ गया। ओके तो मैंने अभी देखा कि यहां पर कोई ना कोई हो सकता है। हैंग ऑन अ सेकंड, सामने दरवाजा भी खुला हुआ है। तो काम करते हैं, मैं अपना तीर कमान फुल्ली लोडेड रखता हूँ, एकदम से फुल्ली लोडेड। अगर अंदर कोई होगा तो मैंने पचपन से तीर लगा देना है। पचेक कौन है, कौन है? शेट यहाँ पर तो एकदम कोई भी नहीं है यार। वो अरे भाई बिल्कुल मेरे घर के, मेरे को लगता है कोई ना कोई यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे हैं। भाई क्या चाहते हो तुम लोग? अरे मैंने घर के अंदर देखा, इस घर के अंदर कोई है। यो इस घर के अंदर कोई है, मैंने अभी पीली पीली चीज देखी, पीली पीली पी। अच्छा तो फार्मर है, फार्मर यहाँ पे छलांगे मार रहा है। मेरे को लगा था नकली लॉगी यहाँ पे छलांगे मार रहा है। अबे इस होटल के अंदर फिट नहीं आने वाले, इतने हजारों बेड गांव के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन सबने यहीं पे सोना है आज। ऊपर से जाके अपनी बैल्कनी से मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई तो यहाँ पर है, कोई ना कोई यहाँ पर है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पर है, वो टीएनटी यहाँ पर फोड़ रहा है। वो यो इसको मुझे पीछा करना पड़ेगा, क्योंकि यही नकली लॉगी हो सकता है। वैसे हो सकता है क्या यही होगा, क्योंकि असली लॉगी तो बिल्कुल गांव के अंदर सो रहा होगा अपने खराटे लेके। ये चलो यहाँ पर चलते हैं। एक काम करते हैं, मैं अपना डॉगी साथ में लेके चलता हूँ। अगर कोई ना कोई मच होगी तो भाई, अगर मेरे हाथ से बच गया ना तो मेरे डॉगी के हाथ से वो नहीं बच पाएगा। हेलो डॉगीज कहाँ पर हो? चलना मेरे डॉगीज कहाँ चले गए? अबे कुत्तों के सोने की जगह तुम ये कहाँ पे सो रहे यार, क्या है तेरे को? तू हटना यार, तू आ जा, तू आ जा भाई तू। ए लॉगी तो मर नहीं रहा मुझसे नकली वाला, लेकिन तुम लोग आज जरूर मरोगे। डॉगीज मेरे कहां पे चले गए? पीगू, अरे मशीन, बाकियों के तो नाम भी मेरे को याद नहीं। अरे ये लोग यहां पर कैसे पहुंचे? आई थिंक गाइस मैंने अभी नोटिस किया कि अगर इसके नीचे वाली मैं जमीन तोड़ता हूं ना तो ये बंदे उठ के खड़े होके भाग, ओके नहीं भाग सकते। वाओ तेरे को लगी क्या? ये ले कहां जा रहा है? रुक अबे ये ले खा, क्रीपर को मारना आता नहीं है, भाग के धूम दबा के भागने की कोशिश कर रहा है। तो लीजिए गाइस मैं यही बोलने वाला था कि अगर इनके आसपास टीएनटी फटता तो ये लोग उठ के भागना शुरू कर देते हैं, और वही एग्जांपल ही मेरे एकदम से सच हो गया। लेकिन यहाँ पर मेरा एक कुत्ता मिसिंग है। यो पीकू मिसिंग है, और उसने क्या मेरे डॉग को किडनैप करके रखा हुआ है। उठ ए गधे कहीं के, उठ क्या कर रहा है? कौन है भाई? शहर के अंदर नकली लॉगी घूम रहा, तू यहाँ पर खराटा लेके सो रहा है? मुझे भी पता है भाई, लेकिन अभी सोना तो है ना भाई। उसने यहाँ पर इतने मोटे क्रीपर फूटे कि मेरी पूरी नींद खुल गई, और यहाँ पर मेरा डॉगी भी गायब। उसने मेरा डॉगी को चोरी कर लिया यार, व्हाट द हेल हो गया ब्रो? मेरी आंखों के सामने उसने मेरा डॉगी चोरी कर लिया। ओके भाई अभी मुझे लगता है हमें वहाँ सामने जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। मैंने उसको जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, अभी आराम आराम से हम भी जंगल की ओर जाएंगे। तलवारें वगैरह ले ले, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ओके आराम आराम से गाइस मेरे को जंगल के अंदर जाना है। ओके लॉगी का तो पता नहीं, ये लोग आज मुझे जरूर मार खाएंगे। निकलो यहाँ से। एक और क्रीपर,
निकल यहाँ से, कितने क्रीपर आ रहे हैं यहाँ पर। लॉगी कहाँ पर है तू? ये रहा। करना आना, मेरे को बैकअप चाहिए। क्या भाई क्या? अरे क्या, मेरे को तीर तेरे पीछे मामा खड़ा है। ये देख ले, यहाँ पर मेरे को ये लॉगी देखो भाई, कहाँ से शुरू हो रहे हैं। अपने हीरो प्लेन वाली टनल है ये लॉगी। मेरे को क्यों लग रहा है कि ये तू ही है? मैं नहीं हूँ भाई, ये मैंने नहीं किया। ये नींद में काम खराब कर रहा अपने शहर का। कुछ किया ही नहीं भाई, सारे सर पड़े हुए हैं। काम करते हैं गाइस, राम राम से इन सर को फॉलो करते हैं। ये सर हमें कहीं ना कहीं तो लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं तो ये सर हमें दिशा दिखा रहे हैं। गाइस लॉगी लॉगी इधर आ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सर हमें को कहीं ना कहीं लेके जा रहे हैं। करते जाओ भाई, एकदम से तीर लोड रखो, ठीक है? तीर अब उसके पास कितने सारे सर है। क्या ये विच इसके साथ है? आई थिंक गाइस ये सारी मॉब इसके साथ मिली हुई है। तो जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे मॉब बढ़ रही है। ओके लॉगी, सामने कुछ लेवर पड़ा हुआ, सामने स्केली खड़ा हुआ है और साथ में एक लिवर ही पड़ा हुआ है। अबे जाओ ना तुम लोग स्केली, यार थोड़ी बहुत ये जगह थोड़ी बहुत लाइट अप कर लेते हैं। अभी मेरे को पता नहीं गाइस, अगर मैं ये लिवर दबाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। कम ऑन लॉगी, लिवर तू प्रेस करेगा? ओके ओके, मैं दबाता हूं, मैं दबाता हूं। ओए व्हाट, ओए आप भी दबा दो भाई, मैं तो कहीं और आ गया। तो कहां पर है? मैंने भाई, मैंने लिवर दबाया, मैं कहीं और आ गया। सीरियस? ओ अरे तो पास, व्हाट, अरे तो पास वाला गांव है ये लॉगी। पास वाला गांव, मुझे लगता है हम जंगल में पीछे आ चुके हैं। जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि नकली लॉगी जो है ना, ये लिवर टेलीपोर्टेशन डिवाइस को यूज कर रहा है यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट होने के लिए। तभी मैं कहूँ कि जब उसको मैं जंगल के अंदर पकड़ने चाहता हूँ, कहीं ना कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। ओके अभी गाइस हमें यहाँ पे पूरे साथ वाले गांव के अंदर आ चुके हैं। और ये ज़ॉम्बीज़ कितने सारे यहाँ पर घूम, क्या है तुम लोगों को? ये तुम नकली लॉगी के ऊपर हमला करो ना, हमारे ऊपर क्यों हमला करो जंगल के अंदर? मैं हूँ भाई। मेरे को लगा था कि नकली लोग फिर से आ चुका है यार। एक तो ये बहुत मसला पड़ रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रही कि असली कौन है और नकली कौन है यार ये। वो देखो भाई, देख कितने सारे सर लगा कर रखे उसने कुएं के ऊपर। मुझे लगता है आप ट्रोल कर रहे हो। मैंने कुछ भी नहीं किया। तो गाइस हमारा एक डॉगी गायब है और यहाँ पर कुएं के ऊपर उसने बहुत सारे सर लगा कर रखे हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि क्या कोई ना कोई सीक्रेट बेस कुएं के अंदर हो? क्या भाई नीचे कुछ है? अब ऑब्वियसली गाइस कुएं इतने गहरे नहीं होते। लॉगी मेरे को अपना डॉगी वापस चाहिए, काम करते हैं, जाना पड़ेगा। काम करते आराम आराम से नीचे चलते हैं और देखते हैं कि नीचे। वाह मैं मरा। वो कहां पर आ गया? पानी लगाया भाई, पानी लगाया। ओके तो बेटे ने पूरी यहां पर सुना। ओए लॉगी ये तूने बनाया? ये देख मेरा नाम लिखा हुआ है यहां पर, ऊपर लिखा लॉगी का हाउस। अरे हमारा डॉगी यहां पर बैठा हुआ है। ओए देखो अबे बेटे तो नीचे कैसे नीचे बैठा? तू नीचे कैसे आया लॉगी? तूने यहां पर इसको छोड़ कर रखा है क्या? मैंने यहां पर कुछ नहीं किया भाई, मैं तो यहां पर पहली बार आया हूं। देख मेरा दिमाग खराब मत कर, ये यहां पर भी तेरा नाम लिखा हुआ है, लॉगी का हाउस और ये लॉगी। अबे सारी जगह तेरा नाम लिखा हुआ भाई। भाई मुझे लगता है यहां पर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है भाई। अरे वैसे एन्चांटेड टेबल लगा है भाई, एन्चांटेड टेबल। अगर तो नकली लॉगी होगा ना तो पीकू तेरे को काटेगा। कम ऑन पीकू, आ रहा हूं मैं अंदर। काट आ रहा हूं इसको भाई, वो जानता है मुझे, मैंने बोला ना। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला असली है। ए मेरे साथ में, ठीक है? बहुत कंफ्यूजन मेरे को हो रही है यहाँ पर। अरे मेरे को अभी यहाँ पर ज़ॉम्बी की आवाजें भी यहाँ पर आ रही है, बहुत खतरनाक वाली। तो ओके गाइस, तो यहाँ पर चेस्ट वगैरह पड़े हैं, चेस्ट के अंदर तो कुछ नहीं है। कहाँ पर है तू? ये देखो, ओ माय गॉड, ये तेरे सर उसने एक टीवी में से कितने टीवी निकाल लिए देख रहा है वो चेस्टों के अंदर। क्या भाई चेस्टों के अंदर? मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो टीवी वाला बिजनेस कर रहा है। और यहाँ पे गाइस अनजान सी जगह बनी हुई, तो आई थिंक ये कोई प्रेशर प्लेट से ये दरवाजा खोल सकता है। दरवाजे के पीछे दूसरा दरवाजा है भाई, और यहाँ पर ब्लड भी जमीन के ऊपर उसने डाल कर रखा। तो गाइस कोई ना कोई प्लानिंग है, नकली वाला लॉगी कर रहा है। और ये देखो, ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, यहाँ पर लगे हैं भाई। बटन दबा दो। नहीं मैं बटन नहीं दबाऊंगा भाई, मैं दबाता हूं भाई। मत दबा, पता नहीं इससे क्या होगा। अभी मुझे भाई, ओए ओए वो ओके, तो इनमें से एक बटन दरवाजा खोल सकता हूं। अगर मैं ये वाला बटन दबाऊं, अगर ये वाला बटन दबाऊं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मोस्टली सारे बटन दबा दे, सारे दबा दे। वो तो बहुत खतरनाक ट्रैप उसने हमारे लिए बना कर रखा है गाइस। लॉगी पीछे वाला होगा, नकली लॉगी बहुत तेज हो रहा है। ये वाला ऊपर वाला दबाएं नहीं है, क्या है यार, हर एक बटन से ज़ॉम्बीज निकल रहे हैं यार। एक खतरनाक ट्रैप उसने बनाया है यार, इतना दिमाग कैसे चलता है नकली। ए तू कुछ सीखता क्यों नहीं है नकली लॉगी? तो ये वाला बटन दबा के गाइस यहां से निकलते हैं। और हे अबे गधे, यहां पे क्या कर रहा है तू? ये तो लाइब्रेरियन है ओए। वही जो मैं कहूं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है बेटे, बाहर आ जा। पिकैक्स है ना भाई आपके पास? पिकैक्स? ए ओके बाहर मत आइयो, नीचे लावा पड़ा है, गिर जाएगा वहाँ पर। तो गाइस इसको बाहर भी निकालना, तो एक काम करते हैं, इसकी मैं फटाफट से ये प्लैंक्स बना लेता हूं ताकि ये बाहर आ जाए। और ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास यहाँ पर पिकैक्स भी है। तो पिकैक्स से गाइस हम ये जेल इसकी तोड़ देंगे। तोड़ो 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 यहाँ से, तोड़ो आ जा। क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं है। आई थिंक गाइस ये आने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये आ नहीं पा रहा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसके लिए यहाँ पर किताबें लगा लेता हूँ। आजा किताबों के ऊपर लड़के, आजा असली वाला भाई, या चल निकल। हमें रास्ता बता रहा है, रास्ता बता रहा है। ओ ये चेस्टों के अंदर पिकैक्स पड़ी हुई है, तो बता रहा भाई फंसवाने की पूरी कोशिश करके रखी है इसने यहाँ पर। ओके तो गाइस यहाँ पर एक हल्की सी पार्कोर भी है और ये पार्कोर करके ऑब्वियसली हमें सामने जाना है। तो बात ये है कि इसको खोलते नहीं है, लेकिन मुझे इसको खोलना है। No! क्या भाई अंदर गया? No! मैं गया!
मैं गया लॉग। क्या कर रहे हो भाई? यार उसने यहाँ पर ट्रैप चेस्ट बना कर रखा है। देख रहे हो भाई, यहाँ पर सारा एंड स्टोन लगा हुआ है। मेरे को पता भी नहीं था उसने यहाँ पर ट्रैप चेस्ट बना कर रखा है और अंदर तो मेरे को ज़ॉम्बीज़। अब ये चेस्ट खोल लियो, अगर इसके नीचे टीएनटी हुआ ना ये वाला भी ट्रैप चेस्ट है भाई। मत खोलो, ये जगह पूरी फट जाएगी यहाँ पर, लेकिन खोलना तो पड़ेगा। इसके नीचे है क्या? इसके नीचे कुछ नहीं है, रेड स्टोन टोर्च। तो हम ये रेस्टोरेंट टॉर्च के साथ ये वाला दरवाजा खोल सकते हैं। तो अगर अबे वहाँ पर नहीं रखना होता, अभी ये टॉर्च गिर ना जाए कहीं। ये कहाँ की टॉर्च? कहाँ मेरे पास आ चुकी है अभी। तो मारा दरवाजा। ये लगता है नकली लॉगी के असली ज़ॉम्बी होंगे। निकलो, मारो तुम्हारी भैंस की। तुम लोग हमारे शहर के ऊपर कब्जा करने की सोच रहे हो? गाइस आई थिंक लॉगी लॉगी मेरे को लगता है कि नकली लॉगी जो तेरे को मारने वाला है और तेरी जगह लेने वाला शहर के अंदर, तो हमें किसी भी हालत में उसको यहाँ से निकालना होगा। ओके हैंग ऑन अ सेकंड, यहाँ पर लेवर लगा हुआ है, तो हम ये लेवर के साथ यहाँ से बाहर निकल सही है। ये बाहर का रास्ता दिख चुका है भाई। हेलो ज़ॉम्बी, तू अंकल जी तू बाहर ले। भागने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देख, तेरे को मैंने 360 मार रहा है। एक तो मैंने तेरे को यहाँ से आजाद किया, ऊपर से तू मेरे ऊपर हमला कर रहा है। अजीब फंडा है। ओके तो ये बिल्कुल पास वाले गांव के अंदर आ चुके हैं। तो गाइस इसका मतलब सिंपल है कि नकली लॉगिन है, बिल्कुल शहर के अंदर जो है टनल्स बना के रखी हैं और कुछ ना कुछ टेलीपोर्टेशन डिवाइस यूज कर रहा है यहां से वहां टेलीपोर्ट होने के लिए, और फिलहाल हमें उसका पूरा मोटिव समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी तह तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिरकार ये बंदा है कौन और चाहता क्या है। तो अगर आपको ये वाली सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। क्या कर रहा है वहां पर? मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।